गीता टीवी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं। गीता जागता एक मिसाल आज यहाँ पे दिखाई दिया, जहाँ पे हिंदू धर्म के इंस्टीट्यूशन के और दावते इफ्तार पार्टी में, ये जो दावते इफ्तार पार्टी था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन द्वारा ये आयोजित किया गया था। ये आज से नहीं, ये काफ़ी सालों से वो ये दावते इफ्तार पार्टी करते चले आ रहे हैं। और इस दावते इफ्तार पार्टी में हर समाज, हर वर्ग के लोग आते हैं और यहाँ पे एक संदेश देते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसके बारे में कुछ लोगों का हमने प्रतिक्रिया लिया यहाँ पे, जो लोग आए थे, और साथ साथ पूर्व आमदार मुजफ्फर हुसैन का भी, चलिए देखते हैं उन्होंने क्या संदेश दिया समाज। रमज़ान मुबारक, आने वाली ईद उल फितर की सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान के इस महीने में लोग रोज़ा रखते हैं, जिसे उपवास कहते हैं। साइंटिफिक वे में उपवास जो होता है, रोज़ा जो होता है, ये क्लिंजिंग ऑफ योर माइंड एंड बॉडी एंड योर सोल। सभी धर्मों के अंदर, क्रिश्चियनों में ईस्टर में रोज़े रखे जाते हैं, हिंदू धर्म में श्रावण में रोज़े रखे जाते हैं, और इस्लाम के मानने वाले रमज़ान में रोज़े रखते हैं। तीनों धर्मों के अंदर ईस्टर में बाइबल का पाठ किया जाता है, श्रावण में हनुमान चालीसवा, भागवत गीता का पाठ किया जाता है और तमाम वेदास का पाठ किया जाता है, और इस्लाम में कुरान शरीफ का की तिलावत की जाती है। तीनों चारों मज़हबों के अंदर इस उपवास के महीने में दान धर्म किया जाता है, गरीबों को मदद की जाती है। आप ये देखेंगे कि ये गंगा जमनी तहजीब की हिंदुस्तान एक बड़ी मिसाल है, जिसको कुछ लोग, कुछ ताकतें इसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मेरा पूरा यकीन है इस मुल्क के मेजॉरिटी, हमारा जो हिंदू भाई है जो मेजॉरिटी में है, अक्सरियत में है, वो बहुत ही सेक्युलर माइंडेड है। इस देश की गंगा जमनी तहजीब पानी की तरह है, लाठी मारने से पानी अलग नहीं हो सकता। आने वाली ईद उल फितर की सभी लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद। आपने पूछा कि समाज को बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं और आप लाखों रुपया खर्चा करके जोड़ देते हैं, मतलब यही तो मिसाल है कि खराब करने के लिए लोगों को करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है, मगर इस तहजीब के मानने वाले लोगों को साथ मिला के रखने के लिए चंद लाख रुपए में जुड़ जाते हैं। ये जो सभा, ये जो इफ्तार में लोगों का, सभी समाज का आना, ये उसका पांच उंगली एक सरीख ही नहीं है, बराबर अपने कुरान में कलाम, हमारी गीता में श्लोक, ये सब एक ही है। हमारा खून तुम्हारा खून अलग नहीं है, तुम्हारा हरा कलर का मेरा रेड कलर का, ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन ये माहौल ऐसा किया जाता है, सबके दिमाग में ऐसा घुसाया जाता है कि भाई ये लोग अलग, ये लोग अलग, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, धर्म ही धर्म है। गॉड, अल्लाह को देखो, अल्लाह लिखते ही हम उर्दू में, उसको उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। हमारे ओम में भी ईद का चांद है, शायद आपको मालूम नहीं है। ओम लिखते हैं, ओम के ऊपर ईद का चांद बनाते हैं हम लोग, तो ईद का चांद, ओम, अल्लाह सब एक ही है। राम रहम करता है। पार्टी का आयोजन क्या है, ये इफ्तार पार्टी का आयोजन करने के जो मेन है अपने मुजफ्फर भाई हुसैन साहब और उनके पूरे टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो एक सोशल मैसेज है, जो नेशनल मैसेज, अपने नेशनल आइडेंटिटी का सामाजिक संदेश है, सब जाति धर्म के लोग समता बंधुता के साथ एक साथ रहते हैं, और यहाँ जो पार्टी में मौजूद है सभी जाति धर्म के लोग हैं, हमारे साथ में हमारा पुलिस प्रशासन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का प्रशासन है, सब मिलके हम ये भाईचारण का कार्यक्रम है उसके अंदर हम अच्छी तरह से शामिल हो चुके हैं। और मेरे पहले हमारे पुलिस ऑफिसर ने भी किया कि ये प्रोग्राम शांति में पूरा होने के लिए महापालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन हर साल दिल लगा के काम यहाँ मौजूद है। तुम्हें कुछ जाना, मैं मुजफ्फर हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े पैमाने पे पूरा इस तरह का प्रोग्राम रखा है, और इसके लिए सब धर्म के, सब जाति के, सब डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स और सब लोगों को यहाँ बुलाया है ताकि सब लोगों से इंटरेक्शन हो सके। और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बोलिए या शहर के अमन शांति के हिसाब से बोलिए, सबसे इंटरेक्शन हो के यहाँ का मेरा भाईंदर का जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल वातावरण है, वो कायम रहे, और सब मिलके सभी धर्मों के त्यौहार बहुत खुशी से और मिलजुल के मनाए।